हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आपके लिए अच्छा सा फेस पैक लेके आए हैं, घरेलू नुस्खा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सारे चीज़ आपके किचन में ही होंगे, कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो गाइस, हमने एक छोटी सी बॉल ली है, हमने इसमें एक केला लिया है पके हुए एक चम्मच के बराबर। मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। केला जितने हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, उतना ही हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है। ये सुपर फ्रूट है जो पूरे साल मिलता है। इसे एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, साथ में इसके मॉइस्चराइज गुण भी स्किन को मुलायम और कोमल बनाते हैं। अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं केले का, मैंने जो है इसमें फेस पैक बना रही हूँ अपने चेहरे के लिए। तो प्राकृति जो है इसमें एनजीक है, जैसी दिक्कतों पर भी केला अच्छा काम करता है। तो फिर चलिए हम इसमें डालना क्या है इसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। इसमें मुझे आधी चम्मच इसमें चावल का आटा डालना, जो हमेशा घर में होती है। चावल अगर आपके पास नहीं भी है आटा, तो आप चावल को अच्छी तरह से थोड़ी सी चावल को भिगो के रख ले, फिर उसको आपने पीस ले मिक्सी जार में, तो वो भी आपके तुरंत ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किचन में काम करते करते भी आप फेस पैक बना सकते हैं, अपने फेस को भी अच्छा रख सकते हैं। और 24 घंटे हमारे किचन में ये जो हल्दी होती है हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उस हल्दी में से हमें इसमें आधी चम्मच हमें हल्दी डालनी है। बिल्कुल कम मात्रा में लेनी है, आपके फेस के अकॉर्डिंग लेनी है। मैंने लिए इसमें हाफ पॉइंट लिए, बिल्कुल कम लिए, एक चम्मच के चौथाई जो होती है इससे लास्ट में मैंने उसके बराबर ली है। ये तो देख सकते हैं आप। इसमें अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें हम थोड़ी सी फिर गुलाब जल डालेंगे आधी चम्मच। हमारी स्किन को बहुत अच्छा टाइट करने में ये भी मदद करेंगे, फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, एकदम मुलायम बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। जो रूखे सूखे या ड्राई है, कोई भी स्किन जो है अब ड्राई हो और चाहे उन चीज़ों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी नहीं है। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, हर चीज़ों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये गर्ल ही लगा सकती है, बॉय भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनको भी स्किन धूप में बाहर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पिंपल्स आने की प्रॉब्लम होती है। ये तो मैंने इस तरह सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो चलिए अपने फेस पे मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। गाइस देख सकते हैं, मैंने इस तरह से फेस तैयार हो गई है, अब अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे पहले से कोई क्रीम लगी है, कोई पोडेंशियल लगा रखे है, आप तो उन चीज़ों को अच्छे से साफ कर ले, क्योंकि उस पर ये हमारा ही असर नहीं करेगा। जो भी पिंपल्स हैं उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है ये। इस तरह से आपको नीचे की लेयर्स में पूरे में लगाने हैं, आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हैं। इसमें कुछ ये नहीं है कि आप हाथ ब्रश से ही आपको लगाना है, मैं ब्रश से लगा रही हूँ, आप हाथ से भी लगा सकते। तो इस तरह से फिर इसके बाद मैं लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ इसका कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो गाइस, हमने मैंने इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसको 20 मिनट तक हमें छोड़ देना है। तब तक हम अगर लगाने के बाद आप चाहो तो आप अपना सारा किचन का काम भी कर सकते हैं, तब तक सूख जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी निखार आने वाली है। तो चलिए फिर हम साफ करने के बाद दिखाते हैं, 20 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे। तो गाइस चलिए फिर, हमारा ये 20 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से सूख चुका है बिल्कुल। अब मैं इसको साफ कर रही हूँ। आप चाहो तो किसी ठंडे पानी से धो सकते हैं, गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन मैं इसको टॉवल की मदद से इसको साफ कर रही हूँ, ताकि ये देख सकते हैं आप एक ही बार में। आपको देख सकते कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इसको हफ्ते में आप चाहो तो, आपके पास अगर टाइम है तो 2-3-4 बार आप इसे अपने फेस पे जो भी पिंपल्स है, दाग धब्बे हैं, कालेपन का निशान है, वो सारे आपके एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। कम से कम आपको इसको हफ्ते में 2-3 बार लगाएं अच्छे से, आपको देख सकते हैं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। मैं यही सप्लाई करती हूँ घर में, तो इसीलिए आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।